दोस्तों, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा है, आप यहाँ पर जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि उतना ही यहाँ पर रिस्क भी है, इसलिए यहाँ पर एक सही ब्रोकर आपके साथ होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करते हैं ICICI डायरेक्ट के बारे में, क्या साल 2024 में भी ये प्लेटफॉर्म जो है टॉप पर रहेगा या जो नए प्लेयर्स आ गए हैं उनसे पिछड़ जाएगा। चलिए एक एक करके सारे पहलुओं पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, लेकिन क्या ICICI डायरेक्ट के जो टूल और रिसर्च इतने एडवांस होंगे कि वो एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर हमें सही डायरेक्शन दे पाएंगे और इनको यूज कर हम जो है साल 2024 में प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं साल 2024 में ICICI डायरेक्ट के पिटारे में क्या है नया, वो सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ना ही कोई स्पॉन्सर वीडियो है, ना इस वीडियो में मैं ICICI डायरेक्ट कंपनी को या ऐप को डीफ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूं, ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आपके पैसे बचे, आपको सच पता चले। ICICI डायरेक्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि बैंक का भरोसा है, सिक्योरिटी के मामले में ये पक्का है, मतलब ये सेफ है, यहां पर आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। सेबी रजिस्टर ये जो है एक ब्रोकर है, दोस्तों ये जो एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो साल 1995 से अपनी सर्विस इस सेक्टर में दे रहा है और ये अपनी सर्विस आपको स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, ETF में, फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O में, करेंसी में, कमोडिटी में, IPO में, इंश्योरेंस में, लोन में, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD और बॉन्ड्स में देता है। यहां पर दोस्तों अकाउंट ओपनिंग चार्जेज, AMC चार्जेज फॉर फर्स्ट ईयर और जो फंड ट्रांसफर चार्जेस है सब फ्री है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या आप इतना देखकर अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं? तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर बहुत दूसरे चार्जेस जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं डीमैट चार्जेस के बारे में। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहां पर जीरो है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज, जिसको कई बार डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी कहते हैं, यानी जो AMC चार्जेज हैं, वो आपके यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो है जीरो है, लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड आपको यहाँ पर ₹700 AMC चार्जेस पे करने होंगे। बाय मार्केट एंड ऑफ मार्केट चार्जेस यहाँ पर जीरो हैं। शेयर सेल के अलग अलग तरीके हैं, बाय मार्केट एंड ऑफ मार्केट, और यहाँ पर जो फंड यूनिट को रिडीम करने का जो तरीका है, रिडेम्पशन जो चार्जेज हैं, वो यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम ₹500 पे करने होंगे या इससे कम पे करने होंगे। खासकर जो डेट स्कीम है यानी जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए ये चार्जेस आपके रहते हैं। इसके बाद रिजेक्शन, फेलियर ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी TIFD जो चार्जेस हैं वो आपके यहाँ पर इस डीमैट अकाउंट में ₹30 रहते हैं। इसके बाद आपका डीमेटलाइजेशन फॉर ईच रिक्वेस्ट फोर चार्जेस आपका रहता है ₹50 एक्स्ट्रा फॉर ईच सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना पड़ता है ₹3 चार्ज। शेयर वापस लेने का जो प्रोसेस है जिसको आप रीमेटलाइजेशन कहते हैं, उस पर आपको हर 100 शेयर के ऊपर या उसके कुछ हिस्सों पर ₹25 का चार्ज देना होगा। मैक्सिमम यहां पर आप जो है 3 लाख तक का चार्ज देंगे या फिर हर सर्टिफिकेट के लिए आप सीधे ₹25 या जो फी वो आपको देनी होगी, जो भी ज़्यादा होगा वही आपको यहाँ पर देना होगा। रिकन्वर्सेशन ऑफ MF यूनिट चार्जेस यहाँ पर आपके ₹25 पर इंस्ट्रक्शन रहते हैं। क्लोजर ऑफ अकाउंट चार्जेस यहाँ के आपके जीरो रहते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उस क्लोज करना चाहते हैं उस केस में आपके जीरो चार्जेस रहते हैं। प्लेज क्रिएशन, क्लोजर, कन्फर्मेशन, ईवोक्शन और जो परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इच ISIN इन इच रिक्वेस्ट आपका अगर है तो आपको यहाँ पर, अगर आप ICICI बैंक का जो काउंटर पार्टी है तो वहाँ पर आपको 0.02% रहता है। मिनिमम आपका ₹35 रहता है और मैक्सिमम आपका ₹25,000 रहता है, यहाँ पर ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इफ़ ICICI बैंक इज नॉट काउंटर पार्टी तो आपको यहाँ पर 0.04% और मिनिमम आपको ₹45, मैक्सिमम आपको यहाँ पर ₹25,000 जो है चार्जेस पे करने होंगे। एडिशनल अकाउंट स्टेटमेंट चार्जेस आपको यहाँ पर ₹20 पे करने पड़ेंगे। री इंश्योरेंस ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जिसको DIS बुकलेट कहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर चार्जेस जो है ₹50 पर बुकलेट देना होगा। अब मैं आपको ICICI डायरेक्ट के जो कैश में कितने चार्जेस लगते हैं उनको जानते हैं, यानी यहाँ पर अगर आप जो है ब्रोकरेज चार्जेस जानना चाहते हैं उनके बारे में जानते हैं। इक्विटी डिलीवरी में आपके 0.55% इन रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर
चार्जेस आपसे लिया जाएगा मार्जिन, और मार्जिन प्लस में आपसे 50,000 रुपये तक के लेन देन पे मिनिमम जो है आपसे 25 रुपये या 2.5% जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। और 50,000 रुपये से ज़्यादा जो लेन देन आप करोगे वहाँ पर सिर्फ आपसे 0.05% चार्ज लिया जाएगा। फ्यूचर और फ्यूचर प्लस एंड फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस के लिए आपको यहाँ पर इस ब्रोकर में 0.05% चार्जेज जो है पे करने पड़ेंगे। और ऑप्शन एंड ऑप्शन प्लस में फ्लैट आपको 95 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट लॉट देना होगा। चार्जेस अदर लेग ऑन इंट्रा स्केयर ऑफ इक्विटी डिलीवरी में आपको मार्जिन और मार्जिन प्लस में आपको यहां पर 0 चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और फ्यूचर फ्यूचर प्लस एंड फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस के लिए और यहां पर जो आपका ऑप्शन एंड ऑप्शन प्लस में जो आपका चार्जेस है वो आपके रहते हैं 50 रुपये और 50 रुपये पर लॉट ये चार्जेस रहते हैं। कॉल एंड ट्रेड फर्स्ट आपकी 20 कॉल्स पर मंथ फ्री रहती है। कमोडिटी ब्रोकरेज चार्जेस आपको यहाँ पर कमोडिटी फ्यूचर और कमोडिटी ऑप्शन में 20 रुपये पर ऑर्डर देने होंगे। और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस यहाँ पर आपके 50 रुपये पर ऑर्डर रहते हैं। इसके बाद अगर आप जो है करेंसी में ट्रेड करते हैं तो करेंसी ब्रोकर चार्जेस आपको यहाँ पर करेंसी फ्यूचर एंड फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस और जो आपका करेंसी ऑप्शन है उसमें यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर पे करने पड़ेंगे। और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस आपको यहां पर 50 रुपये पर ऑर्डर पे करने पड़ेंगे। NCDS बॉन्ड चार्जेस अमाउंट 5 साल से कम के टेन्योर पर अगर लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है तो आपका 0.75% रहता है, और मोर देन 1 करोड़ और लेस देन 5 करोड़ है उस पर आपका 0.5% रहता है, एंड 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको यहाँ पर 0.50% लगता है। 5 साल से ज़्यादा के टेन्योर पर आपको यहाँ पर 0.25% ज़्यादा देना होगा एज कम्पेयर टू 5 साल से कम के टेन्योर के। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये आपको पता होना चाहिए कि हर NCDA और जो बॉन्ड है उसके लिए आपको कम से कम 20 रुपये ब्रोकरेज देना होगा, लेकिन स्पॉट ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर 1.25% चार्ज लगेगा। ध्यान रहे अगर आप उसी दिन अपने ट्रेड स्टार्ट ऑफ करते हैं तो कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और इसके साथ यहाँ पर आपसे NSDL और CDSL चार्जेस और जो दूसरे सेबी या एक्सचेंज चार्जेज हैं या गवर्नमेंट चार्जेज हैं जैसे GST हो गया, टैक्स हो गया, वो भी आपको यहाँ पर जो मैंने आपको चार्जेस बताए उनके साथ पे करने पड़ते हैं। ICICI डायरेक्ट आपको टोटल 6 प्लान जो है ऑफर करता है। ICICI डायरेक्ट प्राइम प्लान, iSecure प्लान, मनी सेवर प्लान, NRI ब्रोकरेज प्लान, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक प्रीपेड प्लान भी मिलता है, और एक जो इनका सबसे ज़्यादा फेमस प्लान है ICICI डायरेक्ट नियो प्लान भी मिलता है। यहाँ पर ये प्लान दोस्तों 299 रुपये से शुरू होकर 9,999 रुपये तक जाते हैं। अगर आप इन प्लान्स का डिटेल में कोई वीडियो चाहते हैं, किसी एक प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप प्लान का नाम नीचे कमेंट कर बता देना, मैं उस प्लान के ऊपर स्पेसिफिक एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि आपको उस प्लान को डिटेल में समझने में आसानी होगी। अगर इस वीडियो में इन सभी प्लानों को बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब चार्जेस तो आप सभी ने जान लिए, लेकिन ये प्रोडक्ट फीचर भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि चार्जेस से थोड़ा आप ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड करते हैं वहाँ पर क्या फीचर मिलते हैं, एप्लीकेशन क्या मिलता है, क्या क्या वो ऑफर करते हैं। ट्रेड तो प्रोडक्ट एंड फीचर से करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इक्विटी प्रोडक्ट में आपको 1 क्लिक इक्विटी मिलता है जिससे आप इन्वेस्ट इन बास्केट ऑफ स्टॉक्स एंड ETF जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च टीम भी मिलती है, सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान जिसको SEP कहते हैं वो भी मिलता है, ETF फैसिलिटी मिलती है, पे लेटर ऑप्शन ऑन MTF भी आपको यहाँ पर मिलता है, शेयर एज मार्जिन और iAlert भी मिलते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में बास्केट ऑर्डर और 1 क्लिक डेरिवेटिव मिलते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसको SGBS बॉन्ड भी बोलते हैं, और जो नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS है वो भी आपको यहाँ पर ICICI डायरेक्ट जो ब्रोकर है उसके यहाँ मिलते हैं। रिसर्च टूल्स एंड फ्यूचर इक्विटी में आपको स्वेट एनालिसिस मिलता है, रैपिड रिजल्ट्स मिलते हैं, आई लेंस स्टॉक स्क्रीनर मिलता है, रेगुलर ब्लॉग्स मिलते हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ मिलते हैं, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आइडियाज़ भी इस ब्रोकर के यहाँ आपको मिलते हैं, और
वीकेंड जो रेट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। डेरिवेटिव्स के लिए आपको यहाँ पर आई ट्रैक टूल मिलता है और यहाँ पर आई ट्रैक में आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग एडवांस जो आपका चार्ट फीचर है वो भी मिलता है। पे ऑफ एनालाइजर मिलता है, यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज जो एक टूल वो भी मिलता है, इम्प्लीफाइड वोलेटिलिटी जो एक टूल वो भी मिलता है, ग्रीक वैल्यूज और ओपन इंटरेस्ट जैसे खास फीचर भी आपको इस ब्रोकर के यहाँ पर मिलते हैं। सेंसिबुल मिलता है, ऑप्शन एक्सप्रेस मिलता है, एफ एंड ओ इनसाइट मिलता है। तो टूल के नाम पे यहाँ पर आपको भर भर के ऑप्शन मिलते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट कई सारे मोबाइल ऐप ऑफर करता है, जैसे कि मनी ऐप ऑफर करता है, मार्केट ऐप ऑफर करता है, मल्टीपल ऐप ऑफर करता है और आई लर्न ऐप भी ऑफर करता है। इसके साथ ICICIdirect.com, ICICISecurities.com, Multiple.co, ISECPWM.com और Subdomains.website भी ये आपको ऑफर करता है। ICICI Direct मोबाइल ऐप आपको जो है गूगल प्ले स्टोर और जो एप्पल स्टोर है वहाँ पर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे इसकी बात करें जो डाउनलोड है 1 मिलियन प्लस हो चुके हैं और इस ऐप की रेटिंग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 4.4 स्टार है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अब सवाल ये आता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन जो कस्टमर सर्विस है वो कैसी मिलती है, कहीं हम फंस गए, कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए तो कस्टमर सर्विस कैसी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको चैट करने का ऑप्शन मिलता है, ICICI डायरेक्ट कस्टमर केयर नंबर में आपको यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं जहाँ पर आप फ़ोन कर अपनी हेल्प जो है मांग सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। रेजिडेंस इंडियन और NRI कस्टमर के लिए अलग अलग ईमेल आईडी मिलते हैं। NRI कस्टमर केयर के लिए आपको कई सारे फ़ोन नंबर मिलते हैं अलग अलग कंट्री के लिए, लगभग 5-6 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। वैसे आप यहाँ पर डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट इनकी वेबसाइट या इनके मोबाइल ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हैं, कुछ ही मिनटों में सिंपल प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ICICI डायरेक्ट के साथ साल 2024 में इन्वेस्ट या ट्रेड करोगे या दूसरा ब्रोकर सोचोगे, ये डिसीजन तो आपका अपना है। बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप ट्रस्ट कर सकते, सारी सर्विस चाहिए, तो ICICI डायरेक्ट बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं, नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर हैं या जो है फीस ज़्यादा नहीं दे सकते तो आपके लिए और भी ऑप्शन है। लेकिन याद रखना, सही रिसर्च और सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करनी है तभी आप लॉन्ग टर्म में कहीं से पैसे कमा सकते हैं। प्लेटफॉर्म तो कोई भी अच्छा हो सकता है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा प्लान यहाँ पर लेना चाहेंगे, कैसा आपको ये ब्रोकर लगता है। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर आप ICICI डायरेक्ट यूज़ करते हो तो अपना रियल एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप फ्लैट ट्रेड का काला सच जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लेना।